हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो क्या होने वाला है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग छोटे छोटे बेसिक चीजों को पढ़ेंगे और उन बेसिक चीजों के बेसिस पे फिर हम लोग इसको कवर करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, तो एक जो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ऑलरेडी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक सरफेस होता है जिसका एक जो पार्ट होता है वो हमारा स्मूथ होता है, दूसरे तरफ हम क्या करते हैं उसको पॉलिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से जब लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो जो लाइट स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते थे हम लोग, एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे और लाइट जो होती थी वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती थी। तो दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल होता था वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच जो एंगल होता था वो हमारा क्या हो जाता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़े तो वहां पे हम लोग जो है वो सिंगल मीडियम को डिस्कस किया है ना, कभी भी हम लोग दो मीडियम्स को वहां पे डिस्कस नहीं किए, एक सिंगल मीडियम की बात हम लोग किए कि जो लाइट है वो आ रही है और स्ट्राइक करने के बाद जो है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जा रही है। ठीक है, बट जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारा सिंगल मीडियम से काम नहीं होगा, यानी यहाँ पे हम लोग मोर देन वन मीडियम्स को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो हम मोर देन वन मीडियम हम डिस्कस करने वाले हैं वो मीडियम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो मीडियम है वो मीडियम हमारा कैसा होना चाहिए, तो ऑप्टिकल मीडियम होना चाहिए। ठीक है, कैसा मीडियम होना चाहिए, ऑप्टिकल मीडियम। अब ये ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है, ठीक है, ये ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या है, तो ऑप्टिकल मीडियम का मतलब है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्टिकल मीडियम है, ये ऑप्टिकल मीडियम कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से हमारा लाइट क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो कोई भी मीडियम अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उससे अगर हमारा लाइट ट्रेवल कर पा रहा है तो उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम लोग अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या देखें कि एक हमारा मीडियम होता है एयर, है ना, और एयर कैसा मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और उससे हमारा लाइट जो है वो इजिली जो है उसमें ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल क्या हो गया, एयर हो गया, तो एयर कैसा मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इससे लाइट हमारा क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक मीडियम देखते हैं, कौन सा, ग्लास। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्रिज्म, है ना, तो एक हमारा क्या है, मीडियम ग्लास है। अब ये मीडियम भी कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इससे भी लाइट क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, तो ग्लास को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, वाटर भी कैसा मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और उससे भी लाइट हमारा क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। किरोसिन या कोई भी ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना, किरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इन सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम से होके जो है वो लाइट जो हमारा ट्रेवल कर सकता है, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जितने भी ऑप्टिकल मीडियम्स हैं, इन ऑप्टिकल मीडियम्स की स्पेशलिटी क्या होती है, ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्टिकल मीडियम हैं, इन सारे ऑप्टिकल मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, है ना, यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम हैव डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, डिफरेंट डेंसिटीज, यानी तो अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम का जो डेंसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, अब देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम्स आर
डिफरेंट। ठीक है, अब जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना है, वैक्यूम में 3 to 10 to the power 8 meter per second। अब जितने भी ऑप्टिकल मीडियम्स हैं, उन सारे ऑप्टिकल मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 to 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, अगर हम लोग वाटर ले लेते हैं तो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, 2.25 into 10 to the power 8 meter per second। और अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, तो एयर भी हमारा क्या ऑप्टिकल मीडियम, भी ऑप्टिकल मीडियम है, वाटर भी क्या ऑप्टिकल मीडियम है, ग्लास भी क्या हमारा ऑप्टिकल मीडियम है। तो हर ऑप्टिकल मीडियम का अपना अपना जो है स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम्स आर डिफरेंट, बट एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो हमेशा रिमेंस क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी है कुछ हमारा ऑप्टिकल मीडियम का। तो जितने भी ऑप्टिकल मीडियम होंगे सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी, और हर ऑप्टिकल मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद ये जो ऑप्टिकल मीडियम है इससे रिलेटेड अगेन हमको दो वर्ड मिलेगा। एक जो फर्स्ट वर्ड होगा हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड होगा वो हमारा होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकली तो समझ में आ रहा है, ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऑप्टिक्स में जो भी मीडियम ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। और ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड है रेयरर और डेंसर, है ना। तो रेयरर का मतलब क्या है, तो रेयरर का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए एयर ले रहे हैं तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, यानी उससे अगर जैसे लाइट इंटर करता है तो वहां पे लाइट का पोजीशन बहुत कम होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक, बट डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, डेंस मतलब गाढ़ापन, है ना। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है कि मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा हम लोग छोटा छोटा टर्म्स को देखें, अब इन्हीं सारे टर्म के बेसिस पे हम लोग किसको पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। क्लियर स्टूडेंट, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग मोर देन वन मीडियम को यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कई केसेस में देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो केस है वो हमारा क्या है, रेयरर टू डेंसर। ठीक है स्टूडेंट, यानी लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से किस पे एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, तो ए प्लेन सरफेस विच सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है, सेपरेटिंग टू मीडियम, जैसे मान लीजिए इधर एक मीडियम ले रहे हैं एयर, है ना, और एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, और इधर एक मीडियम कंसीडर कर रहे हैं वाटर, और वाटर कैसा मीडियम स्टैंड, तो डेंसर मीडियम। ठीक, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है ना, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, तो ये बाउंड्री का काम कर रहा है। तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, और इंटरफेस मीन्स ए प्लेन सर्फेस विद सेपरेटिंग टू मीडियम, तो दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सर्फेस होता है उस सर्फेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, और इस सोर्स ऑफ लाइट से क्या हो रहा है, रेस फॉल कर रही है किस पे, इस इंटर फेस पे। तो जो लाइट यहाँ पे फॉल करती है, इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेस। ठीक है स्टूडेंट, अब जिस पॉइंट पे ये फॉल करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक नॉर्मल ड्रॉ किए। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। ठीक है, तो आई क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्लियर, अब देखिए
ये जो लाइट है इसका ये क्या है एक्चुअल पाथ है। मान लीजिए अगर यहाँ पे वाटर नहीं होता, पूरा का पूरा ये क्या होता एयर होता, तो लाइट सीधा स्ट्रेट चली जाती, ठीक है। बट हम क्या देख रहे हैं कि जब लाइट जो एयर से वाटर में जा रही है तो मीडियम हमारा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ना, यानी ऑप्टिकल मीडियम हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ऑप्टिकल मीडियम होता है हर ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट हमारा एयर से वाटर में इंटर करती है तो लाइट जो है वो अपने पास से थोड़ा सा क्या हो जाती है बेंड हो जाती है किधर टुवर्ड्स द नॉर्मल है ना, यानी लाइट किधर बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर स्टूडेंट। तो अब देखिए ये जो रेस है इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट केस था जिसमें लाइट कहां से कहां जा रहा है रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट क्या हो जा रही है बेंड हो जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी एंगल आई और ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंगल आर है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा है किससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो जब लाइट हमारा रेरर से डेंसर मीडियम जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, क्लियर स्टूडेंट। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग केस नंबर टू देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं, ठीक है। तो केस नंबर टू इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं डेंसर टू रेरर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिए थे रेरर टू डेंसर यानी लाइट जो है वो रेरर मीडियम से कहां पे जा रही है डेंसर मीडियम में, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं डेंसर टू रेरर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इंटरफेस बनाते हैं, इधर जो मीडियम है इसको हम लोग वाटर ले ले रहे हैं और वाटर कैसा मीडियम है डेंसर, और इधर जो मीडियम है ये हमारा एयर और एयर कैसा मीडियम है रेरर मीडियम, ठीक है। यानी इस बार लाइट जो है वो वाटर से कहां पे जाने वाला है एयर में जाने वाला है। तो इधर कहीं पे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं तो यहां से लाइट रेज निकली इस इंटरफेस पे आके स्ट्राइक की, तो ये जो लाइट रेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करती है अगेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल, ठीक। अगर ये पूरा का पूरा मीडियम वाटर होता तो लाइट जो है वो क्या होती सीधा स्ट्रेट चली जाती, ठीक है। बट इस इंटरफेस के बाद कौन सा मीडियम है एयर मीडियम है, ठीक। अब हम लोग पढ़ें कि जितने भी ऑप्टिकल मीडियम्स होते हैं उन सारे ऑप्टिकल मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब ये वाटर में ट्रेवल कर रहा था लाइट हमारा उस समय उसके पास जो स्पीड था वो कुछ अलग था, बट जैसे ये वाटर से एयर में आएगा उसके स्पीड क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो डेंसर टू रेरर मीडियम में आता है, ठीक है, तो लाइट जो है लाइट की स्पीड बढ़ जाता है और वो थोड़ा सा नॉर्मल से क्या हो जाता है दूर हट जाता है, ठीक है। यानी इस बार जो लाइट रेस है वो क्या हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना, दूर से नॉर्मल से दूर हट जाता है, क्लियर फ्रेंड। तो ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होता है ना, यानी एंगल आई जो होगा वो छोटा होगा किससे एंगल आर से, क्लियर। बट रेरर टू डेंसर मीडियम के केस में क्या देख रहे थे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होता है बड़ा होता है, क्लियर है। ये दो केस समझ में आए। अब थर्ड केस हम लोग देखते हैं केस नंबर थ्री है ना। केस नंबर थ्री में क्या है तो नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट मान लीजिए ये हमारा इंटरफेस है ना, और इस इंटरफेस पे लाइट जो है वो कैसा फॉल की नॉर्मल यानी सरफेस के साथ कैसा एंगल कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो इस केस में जो लाइट है वो क्या हो जाती है सीधा स्ट्रेट चली जाती है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है। इस केस में क्या देख रहे हैं कि लाइट डिविएट कर रहा है, इस केस में भी क्या देख रहे हैं कि लाइट जो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर रहा है। बट जब परपेंडिकुलर हम लोग सरफेस पे फॉल कराते हैं लाइट को तो लाइट जो है वो डिविएट नहीं होती है, वो सीधा चली जाती है। यानी इस केस में जो एंगल आई है वो क्या हो जाता है एंगल आर के बराबर है ना, और ये दोनों ही क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और वो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। तो ये तीन केस था, फर्स्ट केस रेरर टू डेंसर, सेकंड डेंसर टू रेरर, और थर्ड क्या नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल टू द सरफेस में लाइट क्या होगा नो बेंडिंग है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होता है, लाइट स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक।
तो ये जो तीन हम लोग केस देखे हैं, इन तीनों केस से हमको क्या समझ में आया कि तीनों केस से हमको यही समझ में आ रहा है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर स्टूडेंट। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है, तो द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो लाइट जो बेंड हो जाती है, तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ठीक है। यानी जब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बट जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। देखिए कैसे, तो देखिए एक फॉर्मूले के हेल्प से समझते हैं कि कैसे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू। E क्या है स्टूडेंट, एनर्जी है, H हमारा क्या है, प्लांक्स कॉन्स्टेंट, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे H कांस्टेंट टर्म है, तो अगर कांस्टेंट और इक्वल को हटाएंगे तो क्या होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, इट मींस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, क्लियर स्टूडेंट। और E हमारा क्या, एनर्जी, ठीक है। तो जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिए अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, यानी उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर है। बट जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज हो जाता है, तो देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा में C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा लैम्डा क्या स्टैंड, वेव लेंथ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगेन ये जो पूरा टर्म है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो इक्वल और कांस्टेंट को यहाँ पे हटाएंगे तो अगेन क्या होगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, ठीक है। यानी अगर हमारा वेवलेंथ चेंज होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट या रिमेन्स सेम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान क्या होगा, हमारा स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ में कोई चेंज आ जाता है बट हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। चलिए तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, तो यहाँ पे भी दो लॉज हैं, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब पढ़े थे तो वहां पे उसके दो लॉज थे, तो उसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी कितने लॉज हैं, दो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों का तीनों क्या है, इसी सेम प्लेन पे है।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हम लोग एक लॉ पढ़े थे कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, क्लियर फ्रेंड। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाइन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड ये तीनों क्या है, इसी व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों का तीनों जो है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब सेकेंड लॉ देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या है, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दैट इज म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर स्टूडेंट। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी फर्स्ट मीडियम जो हमारा एयर है इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको किसके साथ लेना है, विद साइन लेना है, ठीक है। और जो सेकेंड मीडियम पे वाटर उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको भी किसके साथ लेना है, विद साइन लेना है। और उन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, और उस कॉन्स्टेंट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, यानी दैट इज म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए ये फॉर्मूला आता का कैसे है, तो जितने भी मीडियम्स होते हैं वो हर मीडियम का क्या होता है, अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। तो अभी मान ले रहे हैं कि ये जो एयर है इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, V1 है, और जो वाटर है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या है, तो फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, ठीक है, और उस मीडियम में जो एंगल है उस एंगल को किसके साथ लेना है, साइन के साथ। तो यहाँ पे एंगल आई है, इसको क्या लेंगे, विद साइन लेंगे, ठीक है। अब दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इक्वल का साइन दे देंगे, क्लियर है। अब फिर सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीन्स μ2, और सेकेंड मीडियम में जो एंगल है यानी आर, उसको भी किसके साथ लेना है, विद साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन आर, ठीक है। अब इसको साइन वाले को एक तरफ और म्यू वाले को एक तरफ, तो देखिए साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन आर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, क्लियर है। अब ये जो μ2 अपॉन μ1 है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, μ2 1, क्लियर है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए μ2 1 है, तो 2 का मतलब क्या, मीडियम 2, और 1 का मतलब क्या है, मीडियम 1, ठीक है। तो जब लाइट हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में आता है तो लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा, मतलब उसका स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना, या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो कितने टाइम से वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आता है, और ये जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। इस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर स्टूडेंट। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे काउस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का काउस क्या है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग, और काउस देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काउस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉज क्या है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो यही जो है ये क्या है, बेसिक कॉज है किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, यानी द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, यानी द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है फ्रेंड, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यही क्या है, कॉज है, बेसिक कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। क्लियर फ्रेंड, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कवर करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।